दोस्तों कल से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा 18 प्लस के लोगों के लिए, सो आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप कर सकते हैं। 18 प्लस के बाद में किसी को भी वैक्सीनेशन कराना है तो आप करा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक जो है वीडियो बना रहा हूं मैं इसी बिहाव पे, और मैं इसे आज पोर्ट्रेट मोड में बना रहा हूं जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाए, अच्छे से देख पाए क्या प्रोसेस है, कैसे हमें करना है। कल से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा 18 प्लस का, तो आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। जैसे कि हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली आप सर्च करेंगे आरोग्य सेतु, ये आ गया है फर्स्ट वाला, और इसे सिंपली इंस्टॉल करेंगे। सो इंस्टॉल हो गया है। 3.5 MB की ये एप्लीकेशन है, बहुत ही छोटी सी, आप इसे हमेशा फ़ोन में रखें, काफ़ी नीडफुल है। ओपन करें एंड यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज थी, हम इंग्लिश चूज करेंगे। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। आई एग्री, अलाउ ऑल द टाइम, आपको अपनी लोकेशन यहाँ पे अलाउ करनी है। रीजन बिंग, जब आप लोकेशन अलाउ करेंगे तभी ये आपके नियर बाई जो भी पेशेंट्स होंगे उनको कैच कर पाएगी एप्लीकेशन। अलाउ एंड एग्री अलाउ, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, जो भी रजिस्टर करना है आपको अपने फ़ोन में जो इस समय अवेलेबल हो। सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP आ गया है, हम कॉपी करेंगे, सिंपली पेस्ट एंड सबमिट। सो इस तरह का इंटरफेस होता है इस एप्लीकेशन का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है चार ऑप्शन मिल जाते हैं कोविड अपडेट के, अगर आप कोविड से अपडेट होना चाहते हैं। अभी इंडिया में एक्टिव केस ये हैं जो कि रेड में आपको दिख रहे हैं, रिकवर्ड इतने हो चुके हैं, कंफर्म्ड इतने हैं, डिसीज़ जो हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है वो इतने हैं। अब हम वैक्सीनेशन पे जाएंगे, सो वैक्सीनेशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जो भी है आपका, प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अभी आपके पास एक OTP जाएगा, ये OTP आ गया है, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज है उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुकी है। एंड अगर आप यहाँ पे और बेनिफिशरीज जोड़ना चाहते हैं, से इसमें चार मेंबर्स को आप जोड़ सकते हैं अपने एक ही मोबाइल नंबर पे। सो सिंपली यहाँ पे क्लिक हेयर टू ऐड बेनिफिशरी करेंगे। सो यहाँ पे आपको फिर से वो ही आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दिस ऑन दिस, जो भी आपके पास आईडी है अवेलेबल वो लगाएंगे, उसका यहाँ पे नंबर देंगे एंड बेनिफिशरी का नेम, उसका जेंडर एंड उसका ईयर ऑफ बर्थ एंड सबमिट करेंगे। सो आपका वैक्सीनेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। शेड्यूल भी फिक्स ऐसे ही होता है जैसे हम आपको बता देते हैं, सबमिट करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी वैक्सीनेशन की जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम यहाँ पे चाहें तो शेड्यूल फिक्स करेंगे। सो राज बहादुर यादव जो हैं, हम इन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में यहाँ पे शेड्यूल वैक्सीनेशन, उसके बाद में यहाँ पे आप कोई भी एक पिन कोड चूज करेंगे, जैसे हम चूज कर लेते हैं अपने एरिया का। अगर आप फ्री में करवाना चाहते हो फ्री पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप पेड पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फाइंड वैक्सीनेशन, इसके बाद में यहाँ पे सेकेंड बॉक्स में आप जो है अपनी डेट फिक्स करेंगे, जिस डेट को भी आप लगवाना चाहते हैं वैक्सीन। नेक्स्ट मंथ करेंगे हम मई में हम 5 मई को लगवाना चाहते हैं एंड सेट। तो हमारे ये आ गया है, फ्री कराना चाहते हैं तो फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर, इस पे क्लिक करेंगे। सो हमारे जो है एरिया में फ्री वैक्सीनेशन सेंटर है नहीं, सो हम पेड पे जाएंगे एंड फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर। सो ये पिन कोड से अगर नहीं भी लेता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी स्टेट चूज करेंगे, दिल्ली, के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, सेंटर एंड फाइंड वैक्सीनेशन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है वो अभी भी नहीं आ रहा है। हम चेक अवेलेबिलिटी पे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी इस डेट को अवेलेबिलिटी है नहीं, सो आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पेड पे अगर आप जाते हैं एंड फाइंड वैक्सीनेशन पे क्लिक करते हैं तो चेक अवेलेबिलिटी, तो उसमें भी नहीं है। सो कहने का मीन्स ये है, अगर आपको किसी डेट में नहीं अवेलेबल है उस समय वैक्सीनेशन की डेट आपको नहीं मिल रही है, तो आप डेट चेंज कर करके चेक कर सकते हैं। सो यही इसका प्रोसेस है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स हो जाएगी। जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा, आपको वो आईडी एंड रजिस्ट्रेशन जिस फ़ोन से आपने किया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर या उस फ़ोन के साथ आप जा सकते हैं।
सो आपकी वैक्सीनेशन, जो आपका टीकाकरण है, जो आपका टीका लगना है, वो टीका लग जाएगा। सो ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है।